क्या दोस्तों, आप भी ढूंढ रहे हैं एक अच्छा सा स्मार्टफोन जो कि 7000 रुपए की प्राइस में आता हो? ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा क्वेश्चन है, तभी तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही लिया है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में टॉप 4 स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि 7000 रुपए की प्राइस में आते हो। और कमाल की बात यह है इस लिस्ट की कि इस लिस्ट में मैंने आपको 4 स्मार्टफोन बताए हैं और चारों ही स्मार्टफोन अलग अलग कंपनीज के बताए हैं। तो आप किसी भी कंपनी के फैन है, डेफिनेटली आपको एक स्मार्टफोन पसंद आने वाला है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको 7000 रुपए की प्राइस में कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे पास वीडियो चैनल पे। तो दोस्तों, जो मेरी लिस्ट में चौथे नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी का 3i। इसमें आपको 6.22 इंच की लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बात करें हम लोग दोस्तों यहां पे इसके कैमरे की, तो बैक में आपको डुअल कैमरे देखने को मिलेंगे 13+2 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 4230 एमएच की इसमें बैटरी देखने को मिल जाएगी। मीडियाटेक का P60 वाला इसमें प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। 3GB 32GB वेरिएंट के साथ आएगा, जिसकी प्राइस 6999 रुपए है। तो ओवरऑल अगर आप दोस्तों रियलमी के फैन हैं, रियलमी का कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 7000 रुपए की प्राइस में रियलमी का 3i कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्मार्टफोन आता है वो आता है इन्फिनिक्स हॉट 8। इस स्मार्टफोन को काफी सारे लोगों ने खरीदा भी है, तभी मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में इन्फिनिक्स हॉट 8 को रिकमेंड कर रहा हूं। इसमें आपको 6.52 इंच की लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कमाल की बात यह है दोस्तों, इसमें आपको 5000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर आपको दोस्तों बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली दोस्तों आप इन्फिनिक्स हॉट 8 की साइड जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बैक में आपको 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। और एक और जो इसकी सबसे बड़ी चीज है वो है इसका रैम वेरिएंट, 4GB 64GB रैम वेरिएंट के साथ आएगा। और हाँ दोस्तों, इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। और प्राइस दोस्तों 6999 रुपए है। ये मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको लार्ज डिस्प्ले, लार्ज बैटरी और उसके बाद में दोस्तों प्राइस 6999 रुपये। और इस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो 4GB 64GB वेरिएंट के साथ आ रहा है, इसीलिए दोस्तों ये मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है। और दोस्तों, जो मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो आता है नोकिया 5.1 प्लस। ये दोस्तों जो आप वीडियो देख रहे हैं वो नोकिया के 5.1 प्लस से शूट हो रही है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इस स्मार्टफोन को रिकमेंड कर रहा हूं। ये वाकई में अच्छा है, क्योंकि प्राइस पहले इसकी ज्यादा थी, लेकिन इस टाइम पर ये 6999 रुपए मिल रहा है। 5.86 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 3GB 32GB स्टोरेज के साथ आया है। और प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पे मीडियाटेक का P60 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। कैमरा इसमें आपको बैक में डुअल देखने को मिलेंगे 13+5 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ उसकी फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल की इसमें आपको सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। बैटरी इसमें आपको 3060 एमएच की देखने को मिल जाती है। ओवरऑल गुड फोन है, क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूं, कैसी भी हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं है इसमें दोस्तों। बैटरी बेशक कम है, 3060 एमएच की है, लेकिन टाइप सी पोर्ट के साथ आ रहा है तो जल्दी आपका फोन चार्ज हो जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, इसकी बैटरी भी काफी ज्यादा अच्छी चलती है। ये मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूं, इसीलिए दोस्तों मैंने ये अपनी लिस्ट में नंबर 2 पे रखा है। तो अगर आप नोकिया के फैन है तो नोकिया का 5.1 प्लस आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करेंगे नंबर 1 स्मार्टफोन की, मेरी लिस्ट में कौन सा आता है। वैसे दोस्तों हमने आपको रियलमी का भी बता दिया, नोकिया का भी बता दिया और इन्फिनिक्स का भी बता दिया। एक ही कंपनी ऐसी रहेगी दोस्तों जो हर प्राइस सेगमेंट में इस कंपनी का नाम लिया जाता है। डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूं रेडमी के बारे में। जो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता हुआ है रेडमी 8A। इसमें आपको 6.22 इंच की डॉट नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, बैक में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का। फ्रंट में आपको दोस्तों जो कैमरा मिल रहा है वो 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें आपको 6.22 इंच की जो डिस्प्ले मिल रही है वो कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्शन के साथ आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो बड़ी मिल रही है, 5000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं 10 वॉट का इसमें आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। और एक चीज मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसकी जो प्राइस है वो 3GB 32GB वेरिएंट की रखी गई, वो 6999 रुपए
में की गई है। तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। हालांकि इसमें आपको बैक और फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये थे वो टॉप 4 स्मार्टफोन जो कि 2020 में आप खरीद सकते हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। आप कोई भी कंपनी की साइट जा सकते हैं। वैसे दोस्तों आप हमें एक बात जरूर से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया है। अगर आप कोई किसी को फ़ोन खरीदवाना चाहेंगे या खुद खरीदना चाहेंगे तो कौन सा फ़ोन प्रेफर करेंगे, हमें ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करना। और हाँ दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप नहीं खरीदने वाले, कोई और खरीदने वाला है, तो उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।